हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरके क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग घटना चक्र में विज्ञान के प्रकाश चैप्टर को कवर करेंगे। सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें। अगर आपको प्रश्नों के जवाब आते हैं तो आप इसको फिर भी देखें, रिवाइज होगा आपका। और अगर आपको नहीं आता तो आप इसे देखें जरूर, और इसके साथ साथ इसे आप लिख भी लें, ताकि अगला चैप्टर जब भी नया अपलोड होता है तो उससे पहले आप इस चैप्टर को रिवाइज कर सकें। आप एक सिलसिलेवार क्रम से बढ़ते रहें, ताकि एग्ज़ाम के समय में आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव ना हो। इसके अलावा, अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं, ताकि अगर और भी वीडियो आती है तो आपको जानकारी मिल सके। लगातार हमारे इस सीरीज से जुड़े रहें। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, सौर विकिरण सोलर रेडिएशन जो होता है ये किस पारस में दिखाई पड़ता है? तो ध्यान रखिए, सौर विकिरण 400 से 700 नैनोमीटर के पारस में दिखाई देता है, 400 से 700। ठीक है, देखिए अभी हम लोग पॉइंट्स को डील नहीं करेंगे, क्योंकि इसे हम ये जो प्रत्येक चैप्टर को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने बायोलॉजी शुरू किया है, तो जैसे कि पाचन में हम लोगों ने क्लास एक क्लास कवर किया, हम लोग पाचन में पढ़े, हम लोग उसको विस्तार से आगे बढ़ेंगे। तो जब उसमें देखा जाएगा तो उसमें आपको हर चीज़ मिलेगा। ये इसलिए ऐसा हम लोग अपलोड कर रहे हैं घटना चक्र का सीरीज, ताकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं वो पता चल सके। जब वो आपको पता चल जाएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, या कैसे पढ़ना है, या प्रश्न कैसे आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, मानव आँख दृश्य प्रकाश जो विजिबल लाइट होती है कि किस तरंग दैर्ध्य के लिए सुग्राही होता है? हमारा जो आँख है ये जो दृश्य प्रकाश के किस तरंग दैर्ध्य के लिए सुटेबल होता है? तो वो तरंग दैर्ध्य है 5500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सौर विकिरण जो है किस पारस में दिखता है? तो 400 से 700, ध्यान रखें आप। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश तरंग की प्रकृति कैसी होती है? तो ध्यान रखिए, प्रकाश तरंग की प्रकृति तरंग और कण दोनों के समान होती है ना। प्रकाश तरंग की प्रकृति कैसी होती है? तरंग और कण, वेव एंड पार्टिकल दोनों के समान। अगला देखिए, प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है, क्यों? देखिए, प्रकाश जो है ये सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य जो है बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य अत्यंत छोटा होता है, इसलिए जो है ये सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। अगला देखिए, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, तो ध्यान रखिए, प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? देखिए, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कुल 500 सेकेंड लगते हैं, लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड, कई जगह 8 मिनट भी ऑप्शन रहता है। इस साल ही यह प्रश्न जो है बीपीएससी में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कहता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे कि वायु से कांच में जाता है तो क्या परिवर्तन होता है? तो आप ध्यान रखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य और वेग बदलता है, लेकिन उसकी आवृत्ति जो है ये नहीं बदलती। ठीक है, जैसे लाइट जो है ये अगर एयर से ग्लास में जा रहा है तो उसका जो वेवलेंथ है, उसका तरंग दैर्ध्य है, और उसका जो वेग है ये बदल जाएगा, लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं बदलेगी। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? तो देखिए, हम सबको पता है प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में
ऊर्जा का रूपांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिका में किस गैस का प्रयोग होता है? तो ध्यान दीजिए, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिका में नियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। किस गैस का? नियोन गैस का। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या कहता है। साबुन के झाग में चमकदार रंगों के दिखने का क्या कारण है? तो ध्यान रखें, साबुन का जो झाग होता है उसमें हमें चमकदार अलग अलग टाइप के कलर दिखते हैं। इसका कारण है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। ठीक है, ये इसका कारण है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। कब? सघन से विरल। ध्यान रखें, इसमें काफी कंफ्यूजिंग ऑप्शन होता है, विरल से सघन, सघन से विरल, तो कंफ्यूज ना करें, सघन से विरल में जाएगा वो, है ना। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कई दफा पूछा गया है, तो ध्यान रखिए, ऑप्टिकल फाइबर जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है, एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो एंडोस्कोप भी जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। अगला है, मृग मरीचिका किस कारण बनता है? तो मृग मरीचिका के बनने का कारण भी जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही है। और हीरा जो है काफी चमकता है, तो उसके चमकने का कारण भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या क्या देखे, तो ऑप्टिकल फाइबर जो है ये इसी सिद्धांत पे काम करता है, एंडोस्कोप भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। किस सिद्धांत पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरे का चमकना, मृग मरीचिका का बनना, ये सब जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही बनता है या चमकता है। अगला देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है त्रिविमीय चित्र लेने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो त्रिविमीय चित्र लेने में हम लोग होलोग्राफी का प्रयोग करते हैं। किसका? होलोग्राफी का। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कहता है रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार चली जाती है। किसके? तो सभी पारदर्शी माध्यम की, है ना। रमन इफेक्ट जो है उनका, रमन इफेक्ट जो है वो कहता है कि प्रकाश की उन किरणों से संबंधित है जो सभी पारदर्शी माध्यम के आर पार चली जाती है। अगला है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तो ये रंग है बैगनी, बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीडी को सूर्य प्रकाश में देखने पर किस कारण इंद्रधनुष जैसा दिखाई पड़ता है? ये जो कॉम्पैक्ट डिस्क है, जब इसे आप सूर्य प्रकाश में देखिएगा तो ये आपको इंद्रधनुष कई सारे इसमें कलर नजर आते हैं, तो इसका कारण क्या है? तो देखिए, इसका कारण है परावर्तन और विवर्तन। परावर्तन और विवर्तन के कारण सीडी जो है सूर्य प्रकाश में इंद्रधनुष जैसी दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट है, मानव रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो हमारा जो रेटिना है इस पर वस्तु से छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, कैसा? वस्तु से छोटा और उल्टा, ध्यान रखें। अगला है, एक आंख की अपेक्षा दो आंख का होना अनिवार्य है, ये क्यों? क्योंकि देखिए, इस कारण से हम लोग जो है दूरी और गहराई का सही एहसास लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? तो ध्यान रखें, किसी तारे का रंग उसका ताप दर्शाता है। ठीक है, किसी तारे का रंग क्या दर्शाएगा? उसका ताप। अगला है, प्रकाश वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? तो ध्यान रखिए, प्रकाश के विसरण का जो कारण है ये है धूलकण। ठीक है,
ये जो धूलकण है यही प्रकाश के विसरण का कारण है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? तो देखिए उसके तरंग दैर्ध्य से, है ना। और किस रंग का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है? तो लाल का। सबसे कम पड़े थे बैगनी का, ध्यान रखें आप। अगला क्वेश्चन है, किस कारण वास्तविक सूर्योदय से पहले ही सूर्य दिखाई पड़ता है? तो ध्यान रखिए, वास्तविक सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखना ये होता है अपवर्तन के कारण। इस बार जो बिहार दुर्गा हुआ उसमें इस अपवर्तन से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा की दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? तो ध्यान रखिए, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? तो ये है अपवर्तन। देखिए झूठी घटना, आप समझिए, जो चीज झूठा होता है वो मुख्यतः अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। कैसे? देखिए सिक्का का ऊपर उठा दिखना, वाकई में क्या है, ये ऊपर तो है नहीं लेकिन दिखता है ना। सूर्य का सूर्योदय से पहले दिखाई देना, बाल्टी में किसी छड़ी का मुड़ी दिखाई देना, तो ये सब का रीजन है अपवर्तन। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है। सूर्य प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? तो ध्यान रखिए, सूर्य प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है, ठीक है, बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई दफा एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो ध्यान रखिए, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश का ही प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, और इसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है इसलिए इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ठीक है। इस लाल रंग का जो फैलाव काफी कम होता है ना, और इसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है इसलिए यह दूर से भी दिख जाता है। अगला देखिए, आकाश नीला किस कारण से दिखाई पड़ता है? तो ध्यान रखिए, प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है, ठीक है, प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट देखिए, खतरे के संकेत में लाल रंग का प्रयोग क्यों करते हैं? अभी हम लोगों ने देखा, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य बहुत ज्यादा होता है और इसका प्रकीर्णन जो है कम होता है। अगला है देखिए, सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल दिखाई देने का क्या कारण है? तो प्रकीर्णन के कारण सूर्य जो है लाल दिखाई पड़ता है सूर्यास्त के समय। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? तो ध्यान रखें, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र किस कारण नीला दिखाई पड़ता है? देखिए समुद्र के नीले दिखाई देने का कारण है प्रकाश का परावर्तन और जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसारी विश्व की संकल्पना किस पर आधारित है? तो ध्यान रखिए, प्रसारी विश्व की संकल्पना डॉपलर प्रभाव पर आधारित है, डॉपलर इफेक्ट पर। अगला है, कार में पीछे के दृश्य को देखने हेतु किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो ध्यान रखें, कार में पीछे के दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का? उत्तल दर्पण। अगला देखिए, दाढ़ी बनाने में, मतलब जो सैलून में लगे होते हैं, किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? तो ये होता है अवतल, ठीक है, अवतल दर्पण। नेक्स्ट है, खगोलीय दूरदर्शी से किस प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण होता है? देखिए ये खगोलीय दूरदर्शी ये जैसे है, इससे जो है किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक और बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है कि दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो ध्यान रखिए, दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक है।
अगला देखिए, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? तो सबसे देखिए पहले बैंगनी, ठीक है, फिर जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ठीक है, शुरू में वी है, लास्ट में आर है। अगला देखिए, इंद्रधनुष के मध्य कौन सा रंग होता है? तो ध्यान रखिए इंद्रधनुष के मध्य जो है हरा रंग होता है, ये आपने आपको पता होगा, जो कि होता है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है, इंद्रधनुष के दोनों ओर कौन से रंग होते हैं? तो ये हम लोगों ने देखा क्या, बैगनी और लाल, बैगनी से शुरू होता है और लाल पर खत्म होता है और बीच में हरा होता है, ध्यान रखें। अगला है, जल में वायु का बुलबुला किस लेंस की भांति कार्य करता है? तो जल में वायु का बुलबुला जो है ये अवतल लेंस की तरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, एक पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो है व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो ध्यान रखें, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है ये अनंत होती है। अगला है, दूरदृष्टि दोष किस लेंस से दूर किया जाता है? काफी आसान क्वेश्चन है ये सब, तो ध्यान रखें, दूरदृष्टि दोष उत्तल लेंस से दूर किया जाता है, जबकि निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से दूर किया जाता है। ध्यान रखिए, कन्फ्यूज ना करें, दूर में उत्तल और निकट में अवतल। अगला सवाल है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस के बने होते हैं? तो पढ़ने में काम आने वाले जो ग्लासेस होते हैं ये उत्तल लेंस के बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है सर्च लाइट, कार की हेडलाइट, इन सभी में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो ये होता है अवतल दर्पण का, ठीक है, सर्च लाइट, कार की हेडलाइट, इन सभी में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर जो है ये स्पष्ट न्यूनतम दूरी होती है। अगला सवाल कहता है कि आंखों के लेंस का फोकल दूरी किस कारण परिवर्तित होता है? तो हमारी आंखों के लेंस का जो फोकल दूरी है ये परिवर्तित होता है सिलियरी मांसपेशी के कारण, ठीक है। अगला है, लेंस की क्षमता किससे मापी जाती है? तो ये है डायोप्टर से। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, धूप के चश्मे का पावर कितना होता है? तो ध्यान रखें, धूप के चश्मे का पावर 0 डायोप्टर होता है। नेक्स्ट है, मानव आंख में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो ध्यान रखें, मानव आंख में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, ठीक है। और कैसा बनता है हम लोग पढ़ चुके हैं, तो वस्तु से छोटा और उल्टा। देखिए, आधारभूत कलरल जो रंग होते हैं, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो लाल, हरा और नीला, ये तीनों जो कलर है इसे प्राथमिक रंग या आधारभूत रंग कहा जाता है। अगला देखिए, जब इन तीनों को मिलाया जाता है, लाल, नीला और हरा को, तो सफेद बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है सूर्य प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो ध्यान रखिए, सूर्य के प्रकाश में कुल 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह क्या करता है, परावर्तित कर देता है, ना कि अवशोषित, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के किस भाग से तुलना की जाती है? तो ध्यान रखें, आंख के रेटिना की कैमरे के फिल्म वाले भाग से तुलना की जा सकती है। नेक्स्ट देखिए, बाल्टी में रखी छड़ी का मुड़ मुड़ा दिखाई देना किस कारण से होता है? तो झूठी घटना अपवर्तन से संबंधित होती है, तो अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। दोस्तों, ये था घटना चक्र का लाइट चैप्टर। उम्मीद है सारे प्रश्न आपको पहले से आते होंगे, अगर नहीं आता तो आप इसे एक बार फिर से देखें या लिख लें। अगर आपको आता है तो आपने रिवीजन किया,
अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आप रिवीजन करते रहें। धन्यवाद।